पेरेंट्स, आपने इन बच्चों को अ से अंगा करवाना है तो साथ में ये बताना भी है, अ अनार, अ अचकन, अ अजगर, अ अदरक, अ अखबार। अ अनार, अ अचकन, अ अजगर, अ अदरक, अ अखबार, ठीक है। और साथ में इनको ये लिखना भी सिखाना है, ओ कैसे लिखना है। तो ऐसे सुंदर सुंदर बच्चों से लिखवाना भी आपने। तो और साथ में ये इनको पहचान करवानी है, ओ अनार, ओ अचकन, ओ अजगर, ओ अदरक, ओ अखबार, ऐसे। इसी तरह अब आगे आपने करवाना है, इसके आगे आ आम, आ आग, आ आम, आ आग, आ आंख, आ आठ, आ आरा, ठीक है। ऐसे इनको बोल के ऊंचे ऊंचे कहना, बोल लो, आ आम, आ आग, आ आंख, आ आठ, आ आरा, ऐसे इनको बुलवाना है आ। फिर उसके बाद आ लिखना भी बताना है इनको, जैसे ओ लिखकर उसके साथ लाइन डाल देनी, इनको अच्छी तरह सिखाना है आ आम, और लिखाई बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। इसके बाद ई इमली, ई इमली, ई स्त्री, ई इंजन, ई इकसठ, ई इमारत, ऐसे इनको बताना है, ई इमली, ई स्त्री, ई इंजन, ई इकसठ, ई इमारत। और उसके बाद इनको आपने ये ई लिखना भी सिखाना है, जैसे ये इसकी बनावट दी हुई है, आप इसको ध्यान से देखो, और ऐसी ही बनावट जो है वो आपने बच्चों से सिखानी है। चूंकि ये माउस से बना रहा हूं तो ये टिड्डा आएगा कई बार, तो आपने बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन इनको कहना है लगानी है, ऐसे, ठीक है। तो और दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये लूप है, यहाँ से टकराना है, जो ये लाइन के ऊपर ये दोनों शब्द टकराएं, लाइन के ऊपर, जैसे ये इस जगह पे लाइन के ऊपर टकरा रहे हैं ना गोल करके, ठीक है ना, वैसे ही आपका टकराना चाहिए ई। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ई ईख, ई ईंट, ई ईदगा, ई ईंधन, ई ईदगा, ईदगा दो बार आ गया है, कोई बात नहीं है, ई ईख, ई ईख, ई ईदगा, ई ईंधन, ई ईंट, ई ईदगा, और ई लिखकर फिर उसको ऊपर लाइन खींचकर आपने ई बनाना इनको सिखाना है। तो ये कम से कम दो दो पेजेस करवाओ ताकि बच्चों की रिवीजन अच्छी तरह हो सके। उसके बाद उल्लू,
उत्सव, उपहार, उंगली, उस्त्रा, उल्लू, उत्सव, उपहार, उंगली, उस्त्रा। तो जैसे हम अ सिखाते हैं, जैसे इनको नर्सरी में हमने सिखाया था, पहले उ सिखाया था, उसके बाद हमने अ पे आए थे, तो आपने वैसे ही इनको करवाना है। ये गुलाई करनी है और फिर यहां से और फिर ऊपर लाएंगे। तो इसकी यहां पे बिल्कुल जैसे साथ मिल गया, साथ नहीं मिलना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस रख के आपने बच्चों को सिखाना है। सॉरी, तो माउस से नहीं बनेगा, आपने ऐसे ये स्पेस यहां से देख ली कैसे इनकी बनावट आनी है, वैसे ही आपने करवाना है। उसके बाद ओ वाले शब्द आपने करवाने हैं, ओ ऊंट, ओ ऊन, ओ ऊद बिलाव, ओ ऊंगना, ऊपर, ऊंट, ऊन, ऊदबलाव, ऊंगना, ऊपर, और ऐसे ही आपने ऊ लिखना सिखाना है इनको। इसके बाद र ऋषि, र ऋषभ, र ऋषि, र ऋषभ, और इसकी बनावट पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना आपने। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर टाइनी टॉट्स, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। इसको ऐसे ले जाकर थोड़ा सा नीचे ऐसे लाना है, टेढ़ा करना है इस लाइन को सीधा, और इसको गोल करके ऐसे, फिर ऐसे। इन दिस वे यू हैव टू मेक देम डू। तो प्लीज़ ज़्यादा मेहनत लगाएं और इनको यहाँ तक आपने करके दिखाना है बच्चों को, ताकि इनको अच्छी तरह आ सके। पहले इतने कर लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे।